हर कोई भूतों का दोस्त नहीं बन पाता, पर ये काफी मजेदार हो सकता है। क्या तुमने नई वीडियो देख ली? ये बहुत मजेदार है, उसे देखो। ओह, वो बहुत खूबसूरत है। एंथनी, क्या तुम्हें वो लवली लेडी पसंद है? हाँ, बहुत ज्यादा। मुझे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? एक समस्या है, वहाँ पर वो लड़का है। वाओ, हेलो ब्यूटीफुल, तुम कैसी हो? वो यंग मैन, चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हे, क्या चल रहा है? स्केट को रोको। बाय बाय। वाओ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं थी लड़के। हाय, मैं एंथनी हूँ। हाय, मैं जैस्मिन। कितना खूबसूरत नाम है। शुक्रिया मिस्टर बेल, मुझे मदद करके हमेशा खुशी मिलती है मेरे बच्चे। क्या वो मेरे लिए था? हाँ बिल्कुल, एक इनविजिबल दोस्त होना बहुत मजे की बात है। हे पड़ाकू, बस करो। ओह, कितना रूड लड़का है। क्या तुम किंडरगार्टन से आई हो? मुझे अकेला छोड़ दो। ओह, दूसरों का कितना मजाक उड़ाता है। और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, मेरे दोस्तों को नीचा दिखाने की हिम्मत किसी में नहीं है। तुम एक बैलरीना बन गए, और अब मैं तुम्हें जॉर्जिना कहूँगा। देखो जेन, कोल नाच रहा है। कोल, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, चलो कुछ ज्यादा मजेदार करें। चलो बूगी बूगी करें। क्या शो है। Hey मिस, क्या हम डांस करें? बाई और कदम, दाई और कदम। बहुत बढ़िया, शुक्रिया घोस्ट मिस्टर बेल। अब बुली कोल दोबारा कभी लड़कियों को नीचा नहीं दिखाएगा, सब कुछ एकदम बढ़िया होना चाहिए। मुझे लगता है ये तैयार है। और ये रहा मेरा पहला मेहमान। हाय जेन, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ, मुझे तोहफे बहुत पसंद है। जेन और एंथनी कहाँ हैं? वो तुम्हारे लिए सरप्राइज लेने गए हैं। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया दोस्तों, कितना खूबसूरत बर्थडे केक है। विश मांगो अप्रैल, मुझे नई घोस्ट ड्रेस चाहिए, बिल्कुल हमेशा की तरह। हैप्पी बर्थडे। चलो भी अप्रैल, तुम ये कर सकती हो, मुझे एक सेकंड दो। अच्छू। और अब ये धूल मिट्टी कैसे साफ करें? ये 404 साल पुराने लग रहे हैं। भूतों को अपने खाली समय में क्या करना पसंद होता है? हाँ बिल्कुल, लोगों को डराना। मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए। मुझे लगता है मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, ये बढ़िया आइडिया है। खैर, चलो देखते हैं कि अब कौन डरेगा। बस ये कैंडल्स देखो, लगता है ये हमारा मजाक उड़ा रही है। ओ, घोस्ट हंटर, तुम मुझसे नहीं बच पाओगे, मदद करो। हाँ, पकड़ लिया भूत, यहाँ बैठो और अपने बर्ताव के बारे में सोचो। ओ, मैं बोर हो गई हूँ। जेन, चलो खेलें। निकल जाओ, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। क्या तुम सीरियस हो? तुम बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। अप्रैल, ये बहुत बेकार है, तुम्हें बिल्कुल डराना नहीं आता। और मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। तुम बोल रही हो कि तुम्हें डर नहीं लगता, वो तो अभी पता चल जाएगा। ये रहा टारगेट। भूत। वाओ, उसने ये ऐप कहाँ से डाउनलोड की? तो बच्चों, तुम्हारा टॉपिक है एवरीडे लाइफ इन द 17th सेंचुरी। तुम्हारे पास आधा घंटा है, शुरू कर दो। हाँ मिस मॉरिस। ओ नहीं, लड़कियाँ तैयार हो गई और मैंने घर पर कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे क्या करना चाहिए? क्या हुआ एंथनी?
मुझे ऐसे लिखना है पर मुझे कुछ नहीं आता। क्या ये तुम्हारा टॉपिक है? ओह ये आसान है, मैं इसके बारे में सब बताऊंगा। ये मेरे जमाने का है। तो लिखो। क्या एंथनी खुद से बातें कर रहा है? मुझे थोड़ी और डिटेल्स बताओ। चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ एंथनी। माफ करना मिस मॉरिस, वो बढ़िया समय था। हम उसे एज ऑफ रैशनलिज्म कहते हैं। लिखते रहो। लगता है मिस्टर बेल 17th सेंचुरी के बारे में सब कुछ जानते हैं। एंथनी बहुत खुशकिस्मत है जो उसे ऐसा दोस्त मिला। वाओ ये बहुत मजेदार है। एंथनी मैंने देखा कि तुमने बातें करते करते ये सारा पूरा किया, तो तुम्हारा स्वागत है। कौन? मैं? चिंता मत करो मेरे दोस्त, तुम तैयार हो, आगे बढ़ो। तो हम तुम्हें सुन रहे हैं। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन 17th सेंचुरी में शुरू हुआ था। हम जितना हो सकता था उतने समय तक लड़े, पर ये बेवकूफी है। रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में हुआ था। तुमने गलती कर दी मिस्टर बेल। क्या ऐसा है? खैर हो सकता है। बैठ जाओ, तुम्हें एफ मिलता है। माफ करना दोस्त, मुझसे गलती हो गई, पर किससे नहीं होती। मुझे नहाना चाहिए। ला ला ला। ये थोड़े मजे करने का समय है और लड़ाई से मजाक किया और क्या हो सकता है। ओह मुझे क्लासिक बहुत पसंद है। आउच ये गर्म है। हर बार काम करता है। हो, वाह। मैं नहीं जा रही, ये बस समय खराब करने वाली बात है। डरो मत, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। तुम गलत हो। चलो तुम्हें बेहतर महसूस होगा, तुम देख लेना। शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें है? ओ ये बंद है। खैर फिर हमें इंतजार करना होगा। हमें क्यों करना चाहिए? गुड आफ्टरनून। ओह डॉक्टर मुझे बहुत बेकार महसूस हो रहा है। लोग मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते क्योंकि मैं इनविजिबल हूँ। ये पता चलता है कि भूत बनना इतना मजेदार नहीं होता। कभी कभी मैं बहुत अकेली पड़ जाती हूँ। हाँ हेलो एंथनी बैठ जाओ। शुक्रिया। वाओ कितनी ठंडी कुर्सी है। आ बिल्कुल जैसा मैंने तुम्हें कहा था, मुझे कोई नोटिस नहीं करता। खैर मैं कैसा लग रहा हूँ? शानदार, एकदम बढ़िया। बस ठीक है अब तुम जाओ, जैस्मिन आ गई है। चले जाओ से तुम्हारा क्या मतलब है? ओ यहाँ काफी ठंड है। मैंने कहा चले जाओ। ये लो ये पकड़ो, ये तुम्हें गर्म रखेगा। शुक्रिया। ओह क्या ऐसा है? ये हमारा टेबल है, बैठ जाओ। लगता है एंथनी और जैस्मिन बहुत बढ़िया समय बिता रहे हैं। पर मिस्टर बेल को इस बात की बिल्कुल खुशी नहीं है। तुमने मुझे छोड़कर लड़की चुनी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चले जाओ प्लीज। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? नहीं नहीं बुरा मत मानो। ओ नहीं मिस्टर बेल कुछ बुरा करने वाले हैं। या तो मैं या फिर वो, ऐसा मत करो। हे क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, निकल जाओ बेल। क्या ये कोई स्टूपिड प्रैंक है? नहीं रुको जैस्मिन मत जाओ। उदास मत हो, वो तुम्हारे मतलब की नहीं है। देखो बोल भी कौन रहा है, सच्चे दोस्त ऐसा नहीं करते। हनी सारी तैयारी हो गई है, मुझे दिखाओ। ये रहा पहला ऑप्शन, तुम्हारा क्या कहना है? इस घर में बहुत रोशनी है, ये हमारे मतलब का नहीं है। वो सही है, तुम्हें ये वाला कैसा लगा? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये बहुत छोटा है, ये देखो मैंने हमारे लिए एकदम बढ़िया घर ढूंढ लिया। ये शानदार है। खैर शायद हमें थोड़ी मरम्मत करनी पड़ेगी। ठीक है हनी, बढ़िया चॉइस माय डियर। लगता है एंथनी को पड़ोसी मिलने वाले हैं। क्या आप भूतों के दोस्त बनना पसंद करेंगे? हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताएं। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई? तो फिर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे।